453 31 मार्च 2016, 1 अप्रैल 2016 टू योर बैलेंस बीडी 725453, यू जस्ट एड इट 471746 23587, 230120, 725453 फाइन। सोन 31 मार्च 2016 टू योर बैलेंस सी डी 724543। अभी 1 अप्रैल 2016 बाय योर बैलेंस बी डी 725453 हो गया। नाउ द लास्ट ईयर, ये हो गया राइट, कर लिए लिख लिए। नाउ द लास्ट ईयर, लास्ट ईयर इज योर, ये देखो ये डेट याद करो, ये वो डेट है जब आपने जब डेट वगैरह लिखा था, ये वो डेट है जब आप इसको वापस करना है, रिडीम करना है। अभी इस साल का फिर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 725453, इसका 5% इंटरेस्ट आएगा। कुछ समझोगे ना, उसको समझने दो। बैंक अकाउंट डेबिट 36273 टू DRF अकाउंट 36273 बीइंग रिसीविंग ऑफ फोर्थ ईयर इंटरेस्ट 36273 एंड देन इस साल का कंट्रीब्यूशन, इस साल का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, सरप्लस अकाउंट डेबिट 230120 टू DRF अकाउंट 230120 बीइंग फोर्थ ईयर कंट्रीब्यूशन ट्रांसफर टू DRF अकाउंट। और फिर एज यूजुअल फिर ये पैसा फिर इन्वेस्ट करना है। लेकिन देखिए लास्ट ईयर में आपको एक प्रॉब्लम होता है, समझो प्रॉब्लम क्या है। अभी ये जो टाइम है ना, इस टाइम में ये इंटरेस्ट आ रहा है, ये सरप्लस का पैसा जा रहा है DRF में। नाउ एज पर द सिस्टम, अभी तक जो सिस्टम मेंटेन किया, अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम, ये दिस और दिस वी हैव टू इन्वेस्ट। लेकिन अगर आप डेट का ध्यान रखिए ना, तो ये वो डेट है जब हमें पैसा वापस करना है। बोले अभी इधर इन्वेस्ट करने का टाइम किधर है, बोला टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने का। बोले अभी लफड़ा क्यों हो गया, चलिए पहले इसमें आप इसको बनाइए। 31 मार्च 2017 में बाय योर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दैट इज 36273 एंड बाय योर सरप्लस अकाउंट 23120। ओके, नाउ द पॉइंट इज कि व्हाई दिस इज द लफड़ा क्रिएटेड दैट वी आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट दिस मनी, उसका रीजन समझिए। आपने डिवेंचर कब इशू किया था, 1 अप्रैल 2013, और पहला पैसा कब इन्वेस्ट किया, 31 मार्च 2014। यानी जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह से जो पैसा लेते हैं, वो एंड ऑफ द ईयर में लेते हैं। तो एक साल का गैपिंग हो गया था ना शुरू में ही, डिवेंचर इशू करने में और फंड बनाने में देयर वर वन ईयर गैप एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनिंग। लल्ला इधर देखो, अगर निकल जाएगा सब ऊपर से, ये सिंगिंग फंड मैं नहीं, क्या समझे बात को, ये जो इधर से जा रहा है ना सीधा घुसा लो इधर, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, लोगों नाम भी याद नहीं रहते, आधा तो अभी नहीं समझ में आ रहा होगा।
नहीं लग नहीं रहा ऊपर ऊपर से जा रहा है, तो आज तो चलो जा रहा है क्योंकि दूसरा रीजन। चलो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझो, एक साल का गैप शुरू में ही बन गया था, टाइम देखना है आपको, आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। बोले देन व्हाट यू विल डू, व्हाट यू विल डू, बोले जितना इन्वेस्टमेंट है ना, देखो इसका स्टार्टिंग डेट क्या है, बोलो 1 अप्रैल 16, तो इसका एंड का डेट क्या होगा 17। बोले ये कौन सा डेट है, बोला पैसा वापस करना है। तो चूंकि एक साल लेट बन रहा था फंड, इसलिए अब इन्वेस्टमेंट करने का टाइम नहीं बचा आपके पास। तो इसीलिए क्या होगा, अगर सिंकिंग, अगर आपका डिवेंचर 4 साल का होगा ना, तो DRF सिंकिंग फंड 4 साल का बनेगा, इन्वेस्टमेंट 3 का, 1 साल कम का, मतलब वो 4 तो ये 3, वो 5 तो ये 4, वो 10 तो ये 9, मतलब ये ऑलवेज 1 साल कम का बनेगा। बोले फिर करें क्या, बोले जो है उसको बेच दो। तो आप इसको बेच दोगे तो यहां से काम स्टार्ट हुआ। बुक कुछ और बोल रहा है बट पहले मैं इसको बेच रहा हूँ 7,25,453। तो आपने कहा कि सर ये तो गड़बड़ हो गया, क्यों गड़बड़ हो गया, बोले अभी पिछले क्लास से आप पढ़ा रहे हैं कि ये सारा काम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको 10 लाख रुपया चाहिए। आप तो इन्वेस्टमेंट बेच के ओनली 725,453 आया, बोले बाकी पैसा किधर से होगा। अब देखो समझो, ये तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस था, ये ओपनिंग बैलेंस तुमने बेच दिया, ये पैसा तुम्हारे पास आ गया। अब ये ओपनिंग बैलेंस किससे मैच कर रहा है, देखो इससे मैच कर रहा है, यानी ये पैसा बेच कर आ गया। बोले इसका कहानी क्या है, बोले ये तो पैसा अभी पड़ा हुआ आपके पास। बोले क्यों, बोले लिया ही था अभी 31 मार्च को लिया, आपको इंटरेस्ट कब मिला 31 मार्च को, और आपने सरप्लस से कब ट्रांसफर किया, बोले 31 मार्च को। बोले इतना तो बेच के आ गया, और बोला बाकी पैसा क्या हो, बोला पड़ा हुआ है हमारे पास, पड़ा हुआ है हमारे पास, मतलब That amount is already there. अभी लिया है ना पैसा, वो अभी ट्रांसफर किया ना, इंटरेस्ट अभी आपने लिखा ना 31 मार्च में लिखा ना, बैंक टू इंटरेस्ट लिखा कि नहीं, और सरप्लस से आपने DRF में अभी ट्रांसफर किया, 31 मार्च को ट्रांसफर किया। बोले जो पैसा अभी ट्रांसफर किया वो तो अपने पास ही होगा ना, इतना एक ही दिन में खर्च थोड़ी हो जाएगा, समझे बात को, यानी इतना तो इन्वेस्टमेंट बेच के आ गया और ये पैसा अपने पास पड़ा हुआ है, ये सबको जोड़िए कितना हो रहा है 7,20,453, 36,273 एंड 2,30,120, सबको जोड़िए कितना हुआ, बोले 991,846। बोले सर अभी फिर गड़बड़ हो गया, ये तो 10 लाख होना चाहिए। तो देखो इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें जो उन्होंने फ्रैक्शन पकड़ा है, अगर सिंकिंग फंड का एग्जैक्ट टेबल यूज करोगे ना और एग्जैक्ट फ्रैक्शन पकड़ोगे, ये एग्जैक्टली 10 लाख रुपया आएगा, एग्जैक्टली राउंड ऑफ की वजह से 1-2 रुपया ऊपर नीचे हो जाए। अगर ये इतना डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब जो किताब ने हमें, जो बुक ने हमें फैक्टर दिया है, उसमें ही गड़बड़ी है, तो हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया आपको, ठीक है, बट अराउंड 10 लाख हो गया। बोले अभी क्या करना, बोला डिवेंचर को वापस करो। आइए डिवेंचर को वापस करते हैं, इन्वेस्टमेंट तो क्लोज हो चुका है, डिवेंचर को वापस करना है, तो क्या करोगे, देखो ये जो डिवेंचर है ना, 31 मार्च में रिडम्पशन की एंट्री लगाओगे, क्या लिखोगे, लिखोगे 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना 10 लाख टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 10 लाख, हाँ, सो टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 10 लाख, चला गया इसका पैसा, इसका पैसा चला गया। अगली एंट्री क्या करोगे, अगली एंट्री करोगे डिवेंचर होल्डर टू बैंक, डिवेंचर होल्डर, तो ये रिडम्पशन की ये एंट्री आप पहले देख के आ चुके हो, आपने किया हुआ है, सो डिवेंचर होल्डर टू, सॉरी, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, ये क्या हो गया, बींग पेमेंट मेड, तो इससे एक नया अकाउंट खड़ा होगा,
जिसका नाम होगा डिवेंचर होल्डर अकाउंट। इधर क्या करोगे, इन लोग दर लोगे बाई 8% डिवेंचर अकाउंट, कितना 10 लाख। इधर क्या करोगे, बोलेगा टू बैंक 10 लाख। तो ये एक फॉर्मेलिटी अकाउंट होता है, बस क्लोज हो गया। लिख लिए, ये डिवेंचर चला गया। बीडीआरएफ क्या था, डीआरएफ इज ए ब्रदर ऑफ डीआरआर। मतलब डीआरआर का पैसा रिडीम होने के बाद किधर जाता था, जनरल रिजर्व में। तो डीआरएफ का पैसा, ये हो गया, सब लिख लिया आपको, लिखिए। हो गया, हो गया इधर का। डिवेंचर क्लोज, डिवेंचर होल्डर क्लोज, उधर इन्वेस्टमेंट क्लोज। अभी डीआरएफ, डीआरएफ क्या है, डीआरएफ इज ए ब्रदर ऑफ डीआरआर। बोले डीआरएफ का जितना पैसा है वो एंड ऑफ द टाइम में जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। बोले 991846। देखो यहाँ पे दो रूल काम करता है, पहला जितना बैलेंस है उतना ही जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। ऐसे तो 10 लाख करना था लेकिन कम है तो कम ही ट्रांसफर कर दो। बोले दूसरा क्या रूल है, बोले दूसरा रूल है जितना कम है उतना पैसा और ले लो एंड मेक इट 10 लाख। लेकिन चूंकि जितना कम है उतना भी ट्रांसफर अलाउड है तो लोग इसी को कर देते हैं। मतलब वी डोंट पुट एडिशनल एफर्ट्स टू मेक इट 10 लाख, वी डोंट ट्राई टू पुट इट। ओके, सो इसका जो बैलेंस होगा वो जनरल रिजर्व में आप ट्रांसफर कर देंगे, फाइन। तो ये देखो कंप्लीट प्रोसेस है, इसको बोलते हैं हाउ टू प्रिपेयर द सिंकिंग फंड। 3 इयर्स 4 इयर्स का, पूरा लाइफ टाइम का। उधर वो डीआरएफ 4 साल का बना, फिर वो इन्वेस्टमेंट 3 साल का, फिर उसका इंटरेस्ट आया, इन्वेस्ट हुआ। लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट एक साथ पूरा जर्नल और लेजर को एक साथ आप रखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन देखिए आपके एग्जामिनेशन में जो प्रायोरिटीज है वो क्या है, समझिए। आप एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए जहां पर आपको ये कहा जा रहा है कि ये 10 लाख रुपए का डिवेंचर, ठीक है, जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि आप एक बार लिख लीजिए अलग से, इशू डेट ऑफ डिवेंचर इज 1st, इशू डेट ऑफ डिवेंचर इज 1st of April 2013, दैट इज द इशू डेट। वो इशू डेट ऑफ डिवेंचर है, 1st April 2013 is the issue date of debenture। अभी देखो उन्होंने दो लाइन आपको बोला, लिखो, a sinking fund was created, a sinking fund was created and were prepared for redemption of debenture, for redemption of debenture and the balance as on, and the balance as on 1st April 2016 has been given as follows। ये जो चार लाइन इधर लिखा गया है, ये जो चार लाइन आपने लिखा है इसको आप थोड़ा समझिएगा, what they have written you in this 4 line, क्या लिखा है इन्होंने 4 line में।
बोले देखो डिवेंचर 1 अप्रैल 2000 डिवेंचर 1 अप्रैल 2013 को इश्यू हो गया था एंड फॉर द प्रोसेस ऑफ रिडम्पशन वी वर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग द सिंकिंग फंड नाउ द बैलेंस इज ऑन 1 अप्रैल 60। मतलब क्या हुआ, मतलब डिवेंचर 1 अप्रैल 13 को इश्यू हो गया, सिंकिंग फंड उधर से बन रहा होगा, अभी सिंकिंग फंड बन रहा होगा और हमें इंफॉर्मेशन 1 अप्रैल 2016 मतलब जो लास्ट ईयर है उसका बिगनिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो 13 और 16 मतलब 3 साल तो हो गया ना, ब्लैंक हो गया दिमाग, 13 और 16 3 साल हो गया, इसका मतलब सिंकिंग फंड बना रहा है, इसका मतलब कि 1 अप्रैल 2016 में डिवेंचर का भी बैलेंस होगा, डिवेंचर फंड का भी बैलेंस होगा और इन्वेस्टमेंट का भी बैलेंस होगा। समझिए, अगर आपको 1 अप्रैल 2016 का बैलेंस दिया जाएगा तो इसको यहां पे काट दीजिए, इसको भूल जाइए, इसको यहां पे काटिए और इसको भूल जाइए और इसको यहां पे काटिए और इसको भूल जाइए, तो बैलेंस कैसा दिखेगा लिखिए नीचे। पहला डिवेंचर 8% डिवेंचर अकाउंट, 8% डिवेंचर अकाउंट डैश देकर अमाउंट लिखोगे 10 लाख, 8% डिवेंचर अकाउंट डैश देकर अमाउंट लिखोगे 10 लाख। फिर सेकंड लिखो डीआरएफ अकाउंट, डीआरएफ अकाउंट डैश देकर ऊपर देखो कितना बैलेंस है, बोलो 7,25,453 लिखो, 7,25,453। फिर इसके ब्रैकेट में लिख देना क्रेडिट बैलेंस, वो लिखे ना लिखे डीआरएफ क्रेडिट बैलेंस होते हैं। फिर नीचे लिखो डीआरएफ इन्वेस्टमेंट 7,25,453, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, ईयरली अमाउंट ट्रांसफरेबल, ईयरली अमाउंट ट्रांसफरेबल 2,30,120 और नीचे लिखा हुआ होगा, लिखिए कंप्लीट द रिडम्पशन प्रोसेस ऑन 31 मार्च 2017। समझे, मतलब देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा इसमें वो रिडम्पशन के ऊपर फोकस नहीं करेगा, वो आपको सिंकिंग फंड बनाने के ऊपर फोकस करेगा। ठीक है, आपने रिडम्पशन लास्ट में कर दिया दैट इज अ डिफरेंट इशू, अभी रिडम्पशन में और बहुत सारी बातें आएगी। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो केवल बोलेगा सिंकिंग फंड बनाओ, तो उधर वो बना के ओपनिंग बैलेंस बीजीसीडी ये डीआरएफ में इंटरेस्ट इंटरेस्ट का ध्यान रखना, उधर इन्वेस्टमेंट करना है बेचना है समथिंग लाइक दैट, ओके। लेकिन वो फोकस करेगा कि आप सिंकिंग फंड मत बनाओ, आपको हमने लास्ट ईयर का ये सारा इंफॉर्मेशन दे दिया, आप केवल लास्ट ईयर में होने वाले एंट्री जो रिडम्पशन हो रहा है आप उनको बनाओ। तो देखो आपको दिखाता हूं क्वेश्चन फ्यूचर में कैसा आएगा आपके पास। देखो देख रहे हैं आपको अभी जो आपने लिखा उससे मिलता जुलता है। बोला देखो जी 1 जनवरी में डिवेंचर का बैलेंस 40 लाख और सिंकिंग फंड का बैलेंस 33,28,000
और आपको बोला जितना सिंकिंग फंड में होगा उतना सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में भी होगा 33,28,000। और बाद में क्या क्या हुआ, आपने क्या क्या किया, नहीं किया, कैसे रिडीम किया, ये प्रोसेस है। मतलब दे जस्ट वॉन्ट द लास्ट ईयर एंट्री एंड लास्ट ईयर लेजर, समझ में आपको। तो ये पूरा सिंकिंग फंड कैसे बन रहा है उसको आप इससे प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में दे विल प्रोवाइड यू द लास्ट ईयर इन्फॉर्मेशन। अभी आप समझिए, हमने आपको बताया था कि ये नॉर्मल सिंकिंग फंड है। इस नॉर्मल सिंकिंग फंड में अभी आपने कुछ ज़्यादा टिपिकल चीज़ें नहीं पढ़ी है। क्या किया आपने, बोले 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना था, उसके लिए हमने DRR का सिस्टम नहीं अपनाया, हमने DRF का सिस्टम अपना लिया। उसके लिए जो अब देखो 4 साल है, 10 लाख का 4 साल से डिवाइड करोगे तो 1 साल का 2.5 लाख रुपया बनता है, लेकिन इंटरेस्ट की वजह से आपको 2.5 लाख रुपया नहीं जमा करना था, 2,30,120 जमा करना था। जितना जमा करना था उतना ही पैसा आपने हर साल DRF में लिया और इन्वेस्ट कर दिया, लिया इन्वेस्ट कर दिया, साथ में जो हर साल इंटरेस्ट आया उसको भी जमा कर करके इन्वेस्ट कर दिया, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट ले लिया, क्यूमुलेटिव हो गया, ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट टाइप हो गया। लेकिन इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आप बाहर इन्वेस्ट कर रहे हो बाहर, और ये क्लीन सिंकिंग फंड था। क्लीन सिंकिंग फंड में क्या हुआ, यू कीप इन्वेस्टिंग द मनी बाहर, और बाद में एंड ऑफ द ईयर में उस इन्वेस्टमेंट को बेचा, वहां से पैसा लाया, जो लास्ट ईयर का पैसा पूछा था सब मिलाया और उसको 10 लाख रुपए देके नक्की किया। दिस इज प्योर DRF, प्योर DRF, केस नंबर 4। नाउ केस नंबर 5, जहां आप क्या कर रहे थे, आपके सस्ते ओन डिवेंचर अवेलेबल थे तो आप उसको खरीद रहे थे, तो प्योर ओन डिवेंचर में क्या हो रहा था, खरीद रहे थे, इमीडिएट कैंसिल कर रहे थे, और जब उसको कैंसिल करने गए तो कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आया, समझ में आया, या थोड़ा बाद में कैंसिल कर रहे थे, तो एक बोले इमीडिएट कैंसिलेशन, एक बोले कैंसिलेशन लेटर ऑन, दो ही बात आया ना, ना दिस इज प्योर, दिस इज प्योर DRF, बाहर इन्वेस्ट किया उधर पैसा बेचा लाया, दिस इज प्योर ओन डिवेंचर, खरीदा सस्ता था। अब समझिए एक सिचुएशन हो, आप DRF बना रहे हैं, अभी DRF बनाते बनाते क्या हुआ, आपको पता चला कि मार्केट में सस्ता ओन डिवेंचर अवेलेबल है, थिंक क्या हुआ, DRF बन रहा है, पैसा बाहर जा रहा है, कुछ 1-2 लाख का सस्ता ओन डिवेंचर अवेलेबल था। अभी आपका प्रोसेस क्या है रिडेम्पशन का, DRF, इधर आपको सस्ता ओन डिवेंचर मिल रहा है, तो पहले जो आप डायरेक्ट डिवेंचर खरीद रहे थे, अभी क्या कीजिएगा, इधर इन्वेस्टमेंट बेचिएगा 2 लाख का, बेचिएगा ना, जो इन्वेस्टमेंट है बाजार का 10 लाख का प्रोविजन था बट बीच में सस्ता 2 लाख का अवेलेबल है, तो इसको आप बेचोगे ना 2 लाख में सस्ता, और इस 2 लाख से इसको खरीद के कैंसिल करो, तो ये क्या हो गया, केस नंबर 4 और 5 क्या हो गया, मर्ज हो गया। इसका एक एडवांस सिचुएशन, हंसो नहीं, देखो इसका एक एडवांस सिचुएशन, यही बातें तो आप नहीं समझोगे तो बाद में क्वेश्चन कराएंगे तो सब ऊपर से चला जाएगा, बाद में अपना हाय तो मचाते रहो। अभी क्लियर है ना, केस नंबर 4-5 दिख रहा है ना आपको, वो कॉपी में करवाया था ना, 1, 2, 3, 4, 5 कराया था ना, फिर बोला था ना 4 और 5 मिक्स होगा, पहले 5 आपको समझा दिया ना, छोटा छोटा बात, क्या समझाया आपने कि अगर हमारा ओन डिवेंचर बाजार में सस्ता अवेलेबल हो तो हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपए का डिवेंचर 80,000 में मिल रहा है तो हम 1 लाख का डिवेंचर 80,000 में खरीद के उसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। फिर कैंसिल करने गए तो 2 बात हो गई, एक तो तुरंत कैंसिल करेंगे, बाद में कैंसिल करेंगे, बोले इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, आज कैंसिल करें तो भी 20,000 प्रॉफिट, बाद में कैंसिल करें तभी 20,000 प्रॉफिट। लेकिन हाँ, वहां पे क्या हो गया, डेट डिफरेंस होने की वजह से कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट आ गया। अब ये प्योर सिंकिंग फंड आपने देखा, प्योर सिंकिंग फंड में कुछ नहीं था, बाहर इन्वेस्ट हो रहा था, उधर बेचा उधर से पैसा आया। लेकिन एक केस क्या हुआ कि आपको 2 लाख का ओन डिवेंचर खरीदना, आपने 2 लाख का सिंकिंग फंड बेचा, इससे खरीदा, अब इसका प्रॉफिट लॉस, इसका प्रॉफिट लॉस सबकी एंट्री करो। या एक और सिचुएशन समझो कि हमने डिसाइड किया, कंपनी ने सिंकिंग फंड बनाने का, किसका डिसीजन लिया, सिंकिंग फंड बनाने का, अभी 2,30,120 रुपया था,
उसको तुमने बाहर इन्वेस्ट किया, लेकिन कभी कभी तुमने क्या किया, उसको मिक्स कर दिया। बोले बाहर का इन्वेस्टमेंट खरीदने के बजाय 230,120 का खुद का डिवेंचर खरीद लिया। लो अभी तो खरीदने के लिए बेचा और तब खरीदा, अभी क्या किया, उसको बाहर का इन्वेस्टमेंट खरीदने के बजाय खुद के डिवेंचर में इन्वेस्ट कर दिया और वो चला, और बाद में कंपनी ने डिसाइड किया कि इसको कैंसिल कर। तो यही लास्ट केस होगा। तो अभी इंडिपेंडेंट सिंगी फंड बताया है, उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसकी लेजर को ट्रांसफर एंट्री देखिए, लेकिन आपके पास मेजर क्वेश्चन लास्ट ईयर के आएंगे, और लास्ट ईयर में कैसा होगा कि दे विल गिव यू द बैलेंस ऑफ द डिवेंचर, मैंने इससे निकाल कर दिखा दिया आपको, ये लास्ट ईयर है। तो सिंपल सी बात है ना, आपने 4 लाइन लिखा था ना, क्या लिखा था 4 लाइन, बोले डिवेंचर तो 2013 में इशू हो गया था और सिंकिंग फंड बना आ रहा था, तो बना आ रहा होगा तो ये सब हो रहा होगा ना, नहीं बना आ रहा होगा तो ये सब हो रहा होगा ना। अभी डिवेंचर 2013 में इशू हुआ, सिंकिंग फंड 2013 से बन रहा था, बैलेंस 16 का दे रहा है, इसका मतलब कॉमन चीज है कि 1 अप्रैल 2016 में डिवेंचर में भी बैलेंस होगा, डीआरएफ में भी बैलेंस होगा, डीआरएफ इन्वेस्टमेंट में भी बैलेंस होगा। अभी आपने लिखा इस क्वेश्चन का, आपने लिखा और उस क्वेश्चन का, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आएगा, अभी आपको दिखा दिया ना मैंने, कहां चला गया, ये है ना। तो डायरेक्ट लास्ट ईयर इंफॉर्मेशन दे दिया और लास्ट ईयर में क्या क्या हुआ उसको करो, ठीक है। चलो विश यू हैप्पी वैलेंटाइन डे, लुटा उठा के बच्चे का तो मिलता है क्लास में।